नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटोस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं लक्षद्वीप से, जहां पर दोस्तों हमारी यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप के फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कई सारे प्रोजेक्ट्स यहां पर लॉन्च किए गए हैं और इनके चलते टेक्नोलॉजी, एनर्जी, वाटर रिसोर्सेज, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इस तरह के सेक्टर्स में और बेटरमेंट आती हुई दिखाई देगी। दोस्तों थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊं तो कोची लक्षद्वीप आइलैंड्स सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का यहां पर इनॉग्रेशन किया गया है, जिसके चलते लक्षद्वीप के लोगों को 100 गुना तेज इंटरनेट अभी मिल पाएगा पहले के कंपैरिजन में। गवर्नमेंट सर्विसेज, मेडिकल ट्रीटमेंट, ऐसी चीजें भी और बेहतर होती दिखाई देंगी। कदमत में एक लो टेम्परेचर थर्मल डीसैलिनेशन प्लांट, अगत्ती और मिनिकोई आइलैंड्स में हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस, इसके अलावा 5 अलग अलग आइलैंड्स में आंगनवाड़ी सेंटर्स के लिए भी फाउंडेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा रखा गया है। इन प्रोजेक्ट्स की टोटल वैल्यू 1150 करोड़ रुपए की बताई गई है, जिसके चलते लक्षद्वीप का प्लेसमेंट होता हुआ दिखाई देगा। अगली दो सब निकल कर आई है गुजरात से, जहां पर दोस्तों अंडरसी टूरिज्म को स्टार्ट करते हुए गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा बेट द्वारका में सबमरीन टूरिज्म को लॉन्च किया जाना है और ये हमारे देश का ऐसा पहला एरिया होगा जहां पर सबमरीन टूरिज्म को लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों अगर आपको मैं इसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझाऊं तो बेट द्वारका हमारे लिए रिलीजियसली और कल्चरली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है और ये एक टाइप का आइलैंड है जिसको माना जाता है कि भगवान कृष्ण की द्वारका का ये हिस्सा है, जिसका एक मेजर पोर्शन अभी पानी के अंदर है। अभी जो सबमरीन टूरिज्म यहां पर लॉन्च की जाएगी उसके चलते लोग द्वारका का जो पानी के नीचे डूबा हुआ पार्ट है उसको भी एक्सप्लोर कर पाएंगे और भगवान कृष्ण की द्वारका श्री को देख पाएंगे। अभी गुजरात गवर्नमेंट इसको लेकर माजोगन डॉग लिमिटेड के साथ में एमओयू साइन किया है, जो इस सबमरीन के मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। अराउंड 50 करोड़ की सबमरीन होगी, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 30 पर्सन के आसपास होने वाली है। ऑलमोस्ट 100 मीटर की डेप्थ तक ये जा पाएगी और टारगेट यही है कि अगले साल दीपावली से पहले पहले इसको लॉन्च कर दिया जाए। अगली दो अपडेट निकल कर आ रही है तमिलनाडु से, जहां पर दोस्तों इंजीनियरिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट में एक और इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल पार्क को सेटअप किया जाना है और त्रिवल्लूर डिस्ट्रिक्ट के पुनेरी तालुक में इसको बनाएंगे। तो सो इंजीनियरिंग पार्क फैला होगा 650 एकड़ के एरिया में, जिसे तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा बनाया जाएगा। हैवी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, विंड एंड थर्मल पावर इक्विपमेंट, ऑक्सिलरी सिस्टम, इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स, मरीन इक्विपमेंट, लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सब चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी और काफ़ी बड़ी पॉसिबिलिटी है कि इंडस्ट्रियल पार्क सक्सेसफुल भी होगा, क्योंकि जिस लोकेशन को इंडस्ट्रियल पार्क के लिए सिलेक्ट किया गया है वो ऑलरेडी तमिलनाडु का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया है। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, हार्डवेयर प्रोडक्शन, फाइनेंस, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, हेल्थ केयर, इस तरह की इंडस्ट्रीज पहले यहाँ पर सेटअप की जा चुकी हैं। अब यहाँ पर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज भी सेटअप की जाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट है नोएडा से, जहाँ पर दोस्तों नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को फास्ट ट्रांसपोर्टेशन से कनेक्ट करते हुए यूपी गवर्नमेंट के द्वारा एक 72 किलोमीटर का RITS रूट अप्रूव कर दिया गया है और ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गाजियाबाद के बीच में बनाया जाएगा। दोस्तों नोएडा एयरपोर्ट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश का वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट होगा जब बन जाएगा, इसको नियर बाय एरिया से कनेक्ट करने के लिए जरूरी बन जाता है कि यहाँ पर एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स को लॉन्च किया जाए। कई सारी मेट्रो लिंक्स, RITS, पोर्ट टैक्सी, ऐसी चीजें यहाँ पर प्लान की गई थी, जिसमें से अभी RITS का प्लान फाइनली अप्रूव किया गया है, जो कि मेट्रो के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 2 से 3 गुना तेज होगा। बात करें अलाइनमेंट के बारे में तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गाजियाबाद RITS स्टेशन, जो कि दिल्ली मेरठ RITS का पार्ट है, इनके बीच में इसको बनाया जाएगा, जिसकी लेंथ अराउंड 72 किलोमीटर की होगी। 12 स्टेशन इसमें होंगे और क्योंकि पूरा का पूरा कॉरिडोर ही एलिवेटेड होगा तो सभी स्टेशन भी एलिवेटेड होंगे। NCRTC को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इसको बनाने की, जिनका कहना है कि वो 2 फेजेस में इसको बनाएंगे। फेज 1 गाजियाबाद से कासना के बीच में होगा, जबकि फेज 2 कासना से नोएडा एयरपोर्ट तक होगा। देखते हैं कि कब तक इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो पाता है। अगली दो अपडेट निकल कर आ रही है ई अडॉप्शन से, जहाँ पर दोस्तों ई मोबिलिटी को प्रमोट करने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट फेम स्कीम के 3rd फेज के ऊपर काम कर रही है और अभी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, जो कि इसकी इंचार्ज है, उन्होंने स्टेक होल्डर्स के साथ में कई सारी डिस्कशंस भी कर ली हैं। दोस्तों बेसिकली फेम स्कीम को लॉन्च इसलिए किया गया था ताकि देश में ई मोबिलिटी को ओवर प्रमोट करके ईवी अडॉप्शन को बढ़ाया जाए। अभी इसके 2 फेजेस के अंतर्गत फंड्स रिलीज हो चुके हैं, पहले में 895 करोड़ रुपीज, जबकि दूसरे में 10,000 करोड़ रुपीज रिलीज किए गए थे और अभी इसका तीसरा फेज प्लान किया जा रहा है, जिसमें 26,400 करोड़ रुपीज एलोकेट किए जाएंगे। इसमें से 8,158 करोड़ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के लिए, 9,600 करोड़ इलेक्ट्रिक बसेस के लिए, 4,100 करोड़ इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स के लिए, जबकि 1,800 करोड़ रुपीज इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर्स के लिए एलोकेट किए जाएंगे। कुछ पैसा इनोवेशन और टेस्टिंग के लिए भी एलोकेट किया जाएगा। हालांकि बात यह भी की जा रही है कि हाइब्रिड व्हीकल्स और हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स, जिनको अभी तक इनमें ऐड नहीं किया गया था, उनको भी इस फेज में इंक्लूड किया जाए। और क्योंकि ये फेज पहले 2 फेज के कंपैरिजन में काफी बड़ा होगा, तो इसके लिए एक प्रॉपर फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। एक बार जब वो रिलीज कर दिया जाएगा तो और चीजें क्लियर हो पाएंगी। अगली दो अपडेट निकल कर आ रही है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से, जहां पर दोस्तों इस एक्सप्रेसवे को कम्यूटर फ्रेंडली बनाने के लिए हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइड किया गया कि इस एक्सप्रेसवे के ऊपर वो एक हाईवे विलेज को डेवलप करेंगे और ये हाईवे विलेज काफी बड़ा रीजन बनेगा कि आगे चलकर
लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे देश का वन ऑफ द सक्सेसफुल एक्सप्रेसवे बन पाए। तो सो बेसिकली हाईवे विलेज एक टाइप की वेसाइड एमेंटीज होंगी जहां पर रेस्टोरेंट्स, होटल्स, फूड कोर्ट्स, बैंक्स, वर्कशॉप्स, फ्यूल स्टेशंस, चार्जिंग पॉइंट्स, ऐसी सारी चीज़ें एक ही जगह पर बनाई जाएंगी, क्योंकि किसी भी रोड पर ज़रूरी होती हैं। क्योंकि अगर ऐसी फैसिलिटीज रोड के ऊपर नहीं होंगी तो लोग उसका इस्तेमाल कम ही करेंगे। और अभी ये जो पूरा का पूरा हाईवे विलेज बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा उन्नाव में, जो कि इस एक्सप्रेसवे का कह सकते हैं कि बिल्कुल सेंटर में आता है, 30 से 32 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। देखते हैं कि कब तक इसके ऊपर काम स्टार्ट हो पाता है। अगली दोस्त अपडेट निकल कर आ रही है हमारे डिफेंस फोर्सेस से, जिनके द्वारा बहुत ही जल्द इंडिजिनियस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के ट्रायल स्टार्ट कर दिए जाएंगे। और एक बार जब इसके यूजर ट्रायल्स कंप्लीट हो जाएंगे तो एक और ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसके ऊपर हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंस कम हो पाएगी। सो बेसिकली ये जो मैन मेड पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, इनको हमारी DRDO के द्वारा बनाया गया है, जिनका कहना है कि काफ़ी शॉर्ट रेंज में ये होस्टल एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स, इन सबको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर के अंदर अंदर। और क्योंकि करंटली हमारे डिफेंस फोर्सेस के पास इसकी शॉर्टेज भी है, और जो भी उनके पास हैं वो सभी के सभी अभी रशियन मेड है, तो हमारी डिफेंस फोर्सेज चाहती है कि चाइना को टैगल करने के लिए इनको वो LSC के पास डिप्लॉय करें। और क्योंकि आत्मनिर्भरता भी जरूरी है, तो इसी के ऊपर जाते हुए DRDO के द्वारा खुद ही सिस्टम को डेवलप कर दिया गया है, जिसके यूजर ट्रायल्स इसी साल मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल से मई के बीच में स्टार्ट हो जाएंगे। और एक बार जब ये ट्रायल सक्सेसफुल होंगे तो इनकी बल्क प्रोडक्शन होती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से, जहां पर दोस्तों MMRDA के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो मुंबई मोनोरेल को अब रिवाइव करेंगे, और इसके फंक्शंस को और बेहतर बनाने के लिए अभी उन्होंने मुंबई मोनोरेल को महामेट्रो के साथ में मर्ज कर दिया है। दोस्तों मुंबई मोनोरेल में अभी सिर्फ एक ही लाइन ऑपरेशनल है, जो इतनी सक्सेसफुल नहीं है, और पिछले 5 सालों में राइडरशिप में यहाँ पर कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिला था। लेकिन इसी साल मार्च 2023 में राइडरशिप में एक बड़ा अपटेक देखने को मिला, जिसके बाद MMRDA ने डिसाइड किया कि वो इसको रिवाइव भी करेंगे, साथ साथ एक्सपांड भी करेंगे और सर्विसेज को भी बेहतर बनाएंगे। और अभी MMRDA के द्वारा उसी प्लान के ऊपर काम आगे बढ़ाया गया है। बहुत ही जल्द मुंबई मोनोरेल के लिए और नए रेक्स प्रक्योर किए जाएंगे, ताकि यहाँ पर जो ट्रेन्स की या फिर मोनोरेल्स की फ्रीक्वेंसी है उनको इंक्रीज किया जाए और इसको एक एफिशिएंट सिस्टम बनाया जाए। इस मर्जर के चलते ओवरऑल होगा ये कि मुंबई मोनोरेल की जो फंक्शनिंग है वो काफ़ी बेहतर ढंग से हो पाएगी। आज के दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है असम से, जहाँ पर दोस्तों रोड कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए असम गवर्नमेंट के द्वारा गुवाहाटी में एक और फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन किया जाना है। और इसके कंस्ट्रक्शन को लेकर असम के CM के द्वारा अभी फाउंडेशन शुरू रख दिया गया है। दोस्तों ये फ्लाईओवर एक 4 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर होगा, जिसकी लेंथ अराउंड 5.05 किलोमीटर की होगी, और ग्राउंड लेवल से इसको 5 मीटर की हाइट पर बनाया जाएगा। दिगली पखोड़ी से नूनमांडी के बीच में बनकर तैयार होगा, और क्योंकि इसके कई सारे एक्सटेंडेड आर्म्स होंगे तो GNV रोड, वेस्ट दिगली पखोड़ी रोड, राजगढ़ रोड, ये सब इसके थ्रू कनेक्ट हो पाएंगे, जिसके चलते गुवाहाटी में जो ओवरऑल ट्रैफिक कंजेशन है वो भी रिड्यूस हो पाएगा। असम PW डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इसको बनाने की, जो 852.68 करोड़ पीसेस के कंस्ट्रक्शन के ऊपर खर्च करेंगे। और क्योंकि अभी इसका फाउंडेशन भी रख दिया गया है, तो डेडलाइन 2026 तक की सेट की गई है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपके वीडियो को देखने के लिए।